हाय, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माउस ब्रेक इवेंट के करस्पॉन्डिंग टास्क। जब हम पर्टिकुलर माउस पर क्लिक करेंगे और क्लिक होने के बाद उस पर्टिकुलर माउस को होल्ड स्टेज में रखेंगे, तो उस केस में हम ड्रैगिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में किसी पर्टिकुलर आइकॉन को क्लिक करने के बाद, प्रेस करने के बाद उस पर्टिकुलर आइकॉन को होल्ड करते हुए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर हम पुटअप करते हैं, तो उस केस में उस पर्टिकुलर टास्क को कहा जाता है ड्रैगिंग एक्टिविटी। सो हम इस पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसके करस्पॉन्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, इस डिस्कशन के अंदर हम लाइन के रोटेशन के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, किस तरह से हम पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर पेंट एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग पेंट ब्रश को डिजाइन कर सकते हैं। इसके दिस आर द टू मच इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव थिंग्स। यू कैन एड अप मोर ऑप्शंस इन दैट, सो दैट यू कैन मेक योर एप्लीकेशन मोर फ्रूटफुल। सो लेट्स वी स्टार्ट। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट सच थिंग्स वाई यूजिंग माउस ड्रैग ऑप्शन। यहाँ हमने ये पैटर्न नाम से क्लास बनाई है। इस पैटर्न नाम की क्लास में हम लाइन को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से उस लाइन मेथड जो हमारे पास ड्रॉ लाइन नाम की मेथड्स है, उसके थ्रू हम किस तरह से कोई पर्टिकुलर पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3D, हाउ कैन वी डिजाइन, वी कैन लुक एट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स। सो हियर यह पैटर्न नाम की क्लास में हमें देखना है कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमें इनिशियली रिक्वायर्ड होगी पॉइंट नाम की क्लास, जो हमारे हर पर्टिकुलर लोकेशन के करस्पॉन्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को रिट्राइव करके देंगे। तो हमने यहाँ पर इनिशियली पॉइंट नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जो हमें ये डिटरमाइन करेगा कि इनिशियली जब पेंट मेथड कॉल होगी उस पर्टिकुलर टाइम पर किसी तरह का कोई एक्सेप्शन जनरेट ना हो, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब इस केस में हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पॉइंट नाम की क्लास स्पेसिफाई करी और पॉइंट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, और उस केस में हमने पॉइंट का रेफरेंस इनिशियली जब एप्लेट हमारा लोड होगा तो उस केस में हमने उसको असाइन किया। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पेंट मेथड में लाइन को ड्रॉ करना है। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर हमें रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम प्रेस इवेंट परफॉर्म करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास पी में उस पर्टिकुलर लोकेशन का, उस लोकेशन के पॉइंट का रेफरेंस आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ मी डॉट गेट पॉइंट नाम से मेथड अगेन कॉल करी और इस पर्टिकुलर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग हम उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन पर डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहाँ पर रिपेंट नाम से मेथड कॉल की। नाउ अब इस केस में हमने यहाँ पर, जैसे ही हमने यहाँ किया था फर्स्ट टाइम, वी रिक्वायर्ड द लोकेशन जहां हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करें। तो हमने यहाँ पर इस केस में इनिशियली दो वेरिएबल्स लिए, इंटीजर एक्स कॉमा वाई, जिसके करस्पॉन्डिंग हम उस पर्टिकुलर फर्स्ट लोकेशन को क्या कर सके, स्टोर कर सके और उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो हमने यहाँ एक्स कॉमा वाई दो वेरिएबल्स लिए, हमने यहाँ जी डॉट ड्रॉ लाइन नाम से मेथड यूज की और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो हमने एक्स कोमा वाई के अंदर हमने जो इनिशियल पॉइंट माउस इवेंट के थ्रू जनरेट हो रहे हैं उसको हमने इनिशियली इस पर्टिकुलर एक्स और वाई के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन। नाउ इनिशियली हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, एक्स के अंदर इनिशियल वैल्यू पी डॉट एक्स के थ्रू आएगी, देन वाई के अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू पी डॉट वाई के थ्रू हम स्पेसिफाई करेंगे। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क, सेम टास्क वी कैन परफॉर्म वाया यूजिंग ड्रैग मेथड। आगे वन बाय वन जहां जहां हम हमारे एप्लेट के ऊपर माउस को ड्रैग करेंगे तो उस पर्टिकुलर हर बार हर उस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आते जाएंगे पी डॉट एक्स के अंदर। सो हम उसको करस्पॉन्डिंग यहाँ सेम टास्क इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन एंड अगेन जब जब हम उस पर्टिकुलर एप्लेट के ऊपर मूव करेंगे। तो यहां पर हमने इस तरह से ये टास्क परफॉर्म किया। अब हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट हर बार नए आते चले जाए जो हम उस पर्टिकुलर एप्लेट पर ड्रैग कर रहे हैं। तो हमने यहां पर पी डॉट एक्स अगेन पी डॉट वाई स्पेसिफाई किया। तो
तो इस तरीके से हमारे नए कोऑर्डिनेट्स पी डॉट एक्स और पी डॉट वाई के फॉर्म में हमारे सामने डिस्प्ले होते चले जाएंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने अपडेट मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, तो हम जब भी वर्क करेंगे तो पहली लाइन जब हमारे सामने डिस्प्ले होगी तो अगेन जैसे ही हम हमारे पर्टिकुलर माउस को आफ्टर प्रेसिंग मूव करेंगे तो उस केस में हमारे जहां हमने फर्स्ट टाइम क्लिक किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की जो लाइन होगी वो रिफ्रेश होती आएगी, क्योंकि इंटरनली अपडेट मेथड हर बार स्क्रीन को रिफ्रेश करते आएगा जैसे जैसे हम न्यू पॉइंट्स पे मूव करते जाएंगे और रिपीट मेथड कॉल होती जाएगी। तो हमने यहाँ अगेन सेम टास्क परफॉर्म किया, यहाँ हमने इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। सॉरी, हमने यहाँ न्यू पॉइंट में पी स्मॉल है, हम इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए हमारे सामने एप्लेट बन कर आई। अब जहां हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ सेंटर में जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्लिक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पॉइंट पर क्लिक किया, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है क्योंकि मैंने माउस को होल्ड कर रखा है आफ्टर प्रेस। मैंने प्रेस करने के बाद माउस को होल्ड करके रखा है, अब जैसे जैसे मूव होऊंगा तो उस केस में हमारा जो प्रीवियस लाइन है वो रिफ्रेश होती जा रही है और ये हमारा रोटेशन इस तरह से चलता जाएगा जहां जहां मैं अपने माउस को माउस होल्ड करने के बाद ड्रैग करता रहूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो हमारी लाइन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां लास्ट जाकर स्टॉप हुई है वो लाइन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगेन मैं नेक्स्ट टाइम पर क्लिक करूंगा फिर अगेन मेरी स्क्रीन रिफ्रेश होगी और हमारा नई लाइन नए पर्टिकुलर पॉइंट पर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर भी अगेन ये रोटेशन परफॉर्म किया। तो आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करें तो माउस को प्रेस करें, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपने प्रेस किया है वो आपका रोटेशनल पॉइंट होगा और अगेन नेक्स्ट पॉइंट वो पॉइंट होगा जो आप जहां आपने अपने माउस को ड्रैग कर लेकर गए। तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट टास्क जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है हमारा पैटर्न, कि हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न को किस तरह से 3D फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं वाया यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट वाया ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड। सो अब इस केस में हमें अब पैटर्न ड्रॉ करना है तो हमें इस केस में स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करने देना है। अभी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही थी तो हमारा प्रीवियस लाइन हमारे से क्लियर होती जा रही थी। अब हम जैसे ही हमने यहां मेथड बताए पब्लिक वॉइड अपडेट मेथड ओवरराइड की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर हमने अगेन एक्सप्लिसिटली हम पैंट मेथड को कॉल करेंगे और इस केस में हमारी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी। तो अब इस केस में हमने अगेन हम कॉल करेंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो वर्किंग परफॉर्म हो तो उस केस में जो पैटर्न बन कर आया है हमारे सामने, तो पैटर्न किस तरह से डिजाइन होगा अब यहां देखते हैं हम किसे इसको परफॉर्म करके देख। अब ये सेम दोनों में सेम टास्क था, दोनों इसमें भी रोटेशन होगा लेकिन रोटेशन में आपकी जितनी नंबर ऑफ लाइन एक के बाद एक है वो बनती चली जाएगी, रिफ्रेश नहीं होगी। लेकिन प्रीवियस केस में हमारा क्या था, हम उस लाइन को जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ड्रैग कर रहे थे तो प्रीवियस पॉइंट के जितनी लाइंस थी वो रिफ्रेश होती चली आ रही थी। तो अब यहां हम वाकेन वर्किंग परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा 3D फॉर्म में हमने इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। दिस इज द वे यू कैन डिजाइन अ 3D पैटर्न इन अ कर्व्ड फॉर्म। दिस इज द कर्व्ड पैटर्न। यू कैन अगेन मेक जैसे हमने प्रीवियस में हमने रोटेशन किया था उसको हम यहाँ रोटेट करके भी डिजाइन कर सकते हैं। ये जैसे हमने यहाँ डिजाइन किया, ये देखिए इट इज जस्ट लाइक अ 3D वर्किंग। यू कैन मेक वॉट एवर बी द पैटर्न यू वॉन्ट। अब इस केस में हमारी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही, हम यहां से स्टार्ट किया था, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव हुए तो जितनी नंबर ऑफ पॉइंट उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग आते आ रहे हैं एंड पॉइंट, वो उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट की करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ करता जा रहा है। तो हम अपडेट मेथड का एडवांटेज किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कितने उस एडवांटेज को हम कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं
वो हम यहाँ वर्किंग करके देख सकते हैं. वी कैन यूज अवर ओन लॉजिक फॉर टू डिजाइन अ नंबर ऑफ पैटर्न्स. सो इस केस में अब यहाँ हमारी स्क्रीन कहीं पे भी रिफ्रेश नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि दूसरा पैटर्न बनाना, तो अब किस तरह से हम दूसरा पैटर्न बना सकते हैं. तो हम जैसे चाहते हैं कि हम जैसे ही उस पर्टिकुलर एप्लेट से एग्जिट हो तो हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए. तो हम स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट नाम से, जो ये बताएगा कि अगर ये काउंट की वैल्यू 1 हो तो उस केस में वो स्क्रीन को रिफ्रेश कर दे. तो हम अगेन रिपेंड मेथड कॉल करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जंप करते हुए वहां यह देखेगा कि काउंट की वैल्यू क्या है. तो हमने यहाँ काउंट की वैल्यू को चेक किया कि इफ अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, तो इक्वल टू 1 तब कब होगी, काउंट की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम उस एप्लेट से एग्जिट करेंगे, देन उस पर्टिकुलर स्क्रीन को क्लियर करना है. तो हमने यहाँ अगेन कॉल किया जी डॉट क्लियर रेक्ट नाम से मेथड, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी, जिसमें आपको एक बार उसका आप उन वीडियोस का पहले फॉलो अप ले सकते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्लियर रेक्ट का वर्किंग क्या है. यहाँ हमें इनिशियल कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ से रिफ्रेश करना है और कहाँ तक, किस पॉइंट तक जाकर कितने कंटेंट को. तो हम यहाँ चाहते हैं पूरी फ्रेम को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम फ्रेम की विड्थ और हाइट ला सकते हैं. तो हमारे पास मेथड है गेट विड्थ एंड देन गेट हाइट नाम से हमारे पास मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है. तो हम इन दोनों का यूटिलाइज करते हुए फ्रेम के मैक्सिमम एक्स और मैक्सिमम वाई की वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हैं. तो इस तरीके से अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाए तो हम एग्जिट करके बाहर आ चुके हैं. लेकिन जैसे ही हम एंट्री हो, एग्जिट होने के बाद हमने हमारा वर्किंग हो गया कि हमारा एप्लाइट क्लियर हो चुका है. अब हम उस एग्जिट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड करते हैं कि जैसे ही हम एंट्री करें तो हमारी वर्किंग वापस स्टार्ट हो जाए. तो उस केस में हमने यह क्या करा, क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 होगी तो अगेन पेंट मेथड में आया, काउंट फिर से चेक करेगा, तो जो हमने वर्क किया वो वापस से रिफ्रेश करता जाएगा. तो हम रिफ्रेशिंग नहीं चाहते, तो हम इस केस में काउंट को इमीडिएटली एग्जिट होने के बाद वापस से चेंज कर देंगे, किससे, 0 से. तो इस तरीके से हमने वापस से हमारी वैल्यू एग्जिट होने के बाद चेंज कर दी, किससे, 0 से. तो हमने ये वर्किंग परफॉर्म करके देखी. अगेन हम यहां करके देखते हैं किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सॉरी, हमने काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं किया है, तो इस केस में हमें यहाँ पहले आकर काउंट वेरिएबल को इनिशियली 0 से डिक्लेयर कर दिया. नाउ जस्ट लुक एट इट अगेन, वी कैन क्रिएट इन अ रोटेशन वे क्रिएट अ पैटर्न. यू जस्ट लुक एट इट. Now we exit from the applet, हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो गई. Now again we can come inside. जैसे हमने एग्जिट किया तो उस कंडीशन में जाके जाने के बाद उसने काउंट की वैल्यू अगेन 0 कर दी. अब हम कोई दूसरा पैटर्न डिजाइन करना चाहते हैं तो हम दूसरा पैटर्न भी डिजाइन कर सकते हैं. ये देखिए आप किस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वर्क करना चाहते हैं हम उस वर्किंग को परफॉर्म करके देख सकते हैं. तो इस तरह से आप अपना एक पैटर्न पर्टिकुलर पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं. सो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हम पैटर्न और लाइन को ड्रैग एक्टिविटी के थ्रू किस तरह से उस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं. तो अब तक हमने माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर का यूटिलाइज करते हुए different types of activity perform ki. Now the last one is known as how can we use all such kinds of things so that we can implement a paint brush application. Jis tarah se aapne normal application paint brush mein dekhi hogi ki aap किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर पेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके और उस पेंटिंग ऑपरेशन में आप कुछ पर्टिकुलर पार्ट रब करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट में कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उन पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं उसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. तो आइए हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो है पेंट ब्रश, जिसे हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. सो हियर आर पेंट ब्रश क्लास. अब सबसे पहले हमें पेंट ब्रश क्लास में ये समझना होगा कि पेंट ब्रश एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है. जब आपने पेंट ब्रश पेंट का आपने एप्लीकेशन ओपन किया तो व्हाट यू आर विजुअलाइज,
जब आपने ऊपर की तरफ देखा होगा तो आपको वहां नंबर ऑफ आइकॉन्स दिखते हो और कुछ नंबर ऑफ शेप्स दिखते हैं, वहां नंबर ऑफ कलर्स दिखते हैं। अब आपने इसमें पर्टिकुलर आइकॉन पर सिलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर आइकॉन के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी है आप उसको पैंट एप्लीकेशन में उस एरिया पर जाकर परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने उस सिलेक्शन के बाद वहां उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ करते हैं तो वो एक्टिविटी वहां परफॉर्म नहीं होती है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा भी एक पर्टिकुलर एरिया हो, उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करें, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया जहां हमारे आइकॉन बने हुए वहां कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो, वहां सिर्फ हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो कि हम क्या एक्टिविटी हमारे उस पर्टिकुलर पेंट एरिया में जाकर करना चाहते हैं। तो हम वो एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ वो आइकॉन पहले हम बना लेते हैं जहां उसके करस्पॉन्डिंग हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम सबसे पहले मैं यहाँ एक रबर बना रहा हूं जिसके करस्पॉन्डिंग आप उस पर्टिकुलर जहां आप जाकर पेंट करोगे उस पर्टिकुलर पेंट में कौन सा एरिया आपको रिमूव करना है तो उसके लिए हमें एक रबर बनाना पड़ेगा और जिसके थ्रू हमें पेंट करना है उस पर्टिकुलर पैटर्न को, उस पर्टिकुलर आइकॉन को हम यहाँ बनाकर देखते हैं कि हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने इस केस में दो मेथड यूज करी, जी डॉट ड्रॉ अगेन रेक्ट। अब हमारा यहाँ जो रेक्ट है आपने रबर देखा होगा तो रबर भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है तो हम उसको एक रेक्टेंगल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया x, y जो हम ऊपर बताएंगे, अगेन हमने यहाँ बताया कि उसकी साइज होगी 40, 40। दिस इज द फर्स्ट आइकॉन जो ये बताएगा कि ये रबर की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे और जब इस पर सिलेक्शन करेंगे तो जब हम हमारे पेंट एरिया में आएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या करेगा, क्लियर करता आएगा। तो उसके लिए हमें वहां वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अब अगेन नेक्स्ट हमारा जो आइकॉन हम यहाँ ड्रॉ करना इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो हमारा है फिल ओवल। तो हमारा उस पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न में हमारी पेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती जाएगी। तो हमने यहाँ पर अगेन फिल ओवल नाम से स्पेसिफिकेशन दिया और उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ अगेन कोऑर्डिनेट दिए एक्स कॉमा वाई। नाउ अब इस केस में अगेन हम इसके कोऑर्डिनेट विद इट और हाइट सेट कर सकते हैं 40, 40। सो हमने ये दो पर्टिकुलर वर्किंग परफॉर्म करके देखी। तो अब इस केस में हम सबसे पहले इसको वर्किंग करके देखते हैं कि ये क्या विजुलाइज होता है हमारे सामने एप्लीकेशन जब इसमें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइकॉन डिस्प्ले कर रहे हैं कि आइकॉन कहां पर है, वो क्या और वो कैसे विजुलाइज होंगे। और उस पर्टिकुलर एरिया में हम कोई भी एक्टिविटी, सिर्फ हमारा काम होगा सिलेक्शन करने का और उसके बाद उस सिलेक्शन के बाद हमें ड्रैगिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है आफ्टर प्रेसिंग क्लिकिंग और देन आफ्टर दैट व्हेनेवर वी आर कम इनसाइड अ पेंडिंग एरिया वहां जो हमने सिलेक्शन किया उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो वहां पर हम करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लेना होगी इंटीजर x, y, ये हमने दो वेरिएबल्स लिए तो हमें यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर x और y में वैल्यूज लेना पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट x1 लिया, अगेन x1 में इनिशियली वैल्यू हम बताएंगे 20 और y में भी हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 20 बताएंगे। अगेन हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया अगेन x2, उसमें हम इनिशियल वैल्यू बताएंगे सपोज 20 प्लस 40 60 करेंगे। तो हमने अगला आइकॉन डिस्प्ले करवाया x2 कॉमा लोकेशन पर, अगेन y की वैल्यू हम सेम रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने x1 स्पेसिफाई करा तो ये हो जाएगा 20, 20 एंड x2 हो जाएगा 80, 20। तो हमारा y की सेम लोकेशन पर x की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइकॉन को डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए ये दो आइकॉन हमारे सामने विजुलाइज हो रहे हैं। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ हमारे सामने जो दो आइकॉन बने आ रहे हैं उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ वन बाय वन उसकी वर्किंग परफॉर्म करके देखते हैं। अब इनिशियली हमें ये बात समझना होगा कि हम किस तरीके से
किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे तो जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, तो हमने अगेन सबसे पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिट्राइव करे जहां से हमें उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है। तो हमने मी डॉट गेट पॉइंट के थ्रू उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन किए कि हमने किस पर्टिकुलर आइकॉन पर क्लिक किया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ डिटरमाइन किया उस पॉइंट्स को। अब उसके बाद हमने उसका डायमेंशन जहां पर हमने क्लिक किया है तो हम डायमेंशन बताएंगे कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिलेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को ही वहां हमारे सामने इम्प्लीमेंट करके शो करे। तो हमने यहाँ पी डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, अगेन हमारे जो अगर हमारा क्लिक जहां हुआ है अगर वो डायमेंशन पी डॉट एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40 हो, अगेन एंड y के करेस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो हम p डॉट y अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड अगेन एंड p डॉट y अगर लेस देन इक्वल्स टू 40 हो तो हमारी 20 हो, क्योंकि हमारा पहला जो आइकॉन है वो 20:40 लोकेशन के बीच में है, तो हमने 20 से 60 पर है क्योंकि हमारा अगर 20 और 40 को सिलेक्ट करें तो हमारा जो बनकर आएगा वो 60 होगा। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर हमारा डायमेंशन इसके करस्पॉन्डिंग हो तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम सेट कर देंगे f, हमने स्पेसिफाई करा f इज इक्वल टू 1, तो हमने f इक्वल टू 1 सेट किया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जाकर सेट कर सकते हैं f इक्वल टू 1 सेट कर दिया कि अगर ये वाला पैटर्न हो तो हमने f की वैल्यू अगर 1 हुई तो हमने इस पर्टिकुलर आइकॉन को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट थिंग अगेन हम यहाँ पर अगर दूसरा आइकॉन सिलेक्ट करें तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर अगेन हम यहाँ सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, सेकंड आइकॉन जो हमारा क्या है वहां पर ओवल है तो उस ओवल के डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग हम सेट करेंगे। तो हमने यहाँ दिया एफ की अगर पी डॉट एक्स कहां पर है हमारा, हमने स्पेसिफाई करा 80 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट एक्स टू कहां पर है स्टार्ट हो रहा है 80 से, तो हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया क्या कि अगर पी टू की वैल्यू 80 से स्टार्ट हो रही है, अगेन 80 प्लस 40 हो जाएगा तो हमारा यहाँ हो जाएगा 120, तो अगर 120 से कम होना चाहिए और 80 से ज्यादा हो अगर वो हमने एक्स में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करा है। इसी तरह वाई में हमने 20 है और 60 दोनों उसमें हमने सेम लोकेशन पर y के करस्पॉन्डिंग हमारा जो डायमेंशन है वो 20 और 60 के बीच में, लेकिन x में हमने वेरिएशन किया तो हम एक ही पर्टिकुलर y में एक ही कोऑर्डिनेट पर वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ किस तरह से उसको देखेंगे, तो उस केस में हमने यहाँ दिया f की वैल्यू 2 सेट कर दी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें वर्किंग परफॉर्म करना है तो हमें वो एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जहां जाकर हमारा पेंट की वर्किंग हो। तो हमने अगेन बता दिया कि हमारा वर्किंग तभी परफॉर्म हो अगर p डॉट y अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, हमने कितना दिया है 60, तो हमने यहाँ 80 से स्टार्ट किया। पी डॉट वाई का जो मैक्सिमम एरिया है जो हमारे पास फिगर है वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा विदित जितना होगा तो उसका 20% हमें प्लस 40 करते हुए बताना पड़ेगा कि प्रिंट एरिया जो हमारा पेंटिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए। तो प्लस 40 किसके बराबर होना चाहिए, अगर ग्रेट लेस देन इक्वल टू हमारी उस एप्लेट की फ्रेम की हाइट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो हमने यहाँ गेट हाइट करते हुए स्पेसिफिकेशन किया कि हमारा ये एरिया होगा, इस एरिया में जाकर ही हम हमारी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब एक्स का तो 0 से लेकर 500 ही होगा, लेकिन वाई का जो एरिया होगा वो 80 से लेकर के उस फ्रेम की 500 लोकेशन के करस्पॉन्डिंग ही होगा। तो हम ये एरिया हमने बताया कि इस एरिया में ही जाकर हमें आगे की एक्टिविटी परफॉर्म करना है, बाकी की ऊपर के एरिया में कोई भी वर्किंग परफॉर्म ना हो। तो अब इस केस में हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया अगेन कि इफ अगर अब हमें इस एरिया में वर्किंग करना है तो अगर हमने क्या बताना है कि अगर हमने जो आइकॉन सिलेक्ट किया अगर वो रबड़ है तो उस केस में रेक्टेंगल है, तो क्योंकि हम रेक्टेंगल को ऐसे रबड़ ट्रीट कर रहे हैं और उसका टास्क क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर उतना एरिया जो जितना उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का डायमेंशन है उतना पोर्शन वो क्लियर करता जाए। तो हम इस केस में यहाँ जाकर हम बताएंगे क्या इफ अगर ये वर्किंग है तो उस केस में हमने यहाँ बताया जी डॉट क्लियर रेक्ट, क्योंकि हमारा वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा उतना पोर्शन को वो क्लीन करने का टास्क परफॉर्म करेगा। तो हमने 0.0 दिया, अगेन हमारा उसका उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का डायमेंशन जो है वो है 40.40 सॉरी यहाँ पर
हमें यहाँ 0 0 की जगह बताना पड़ेगा पी डॉट एक्स, क्योंकि करंट कोऑर्डिनेट जहां होंगे उसको हमें यहाँ रिट्राइव करना है, तो पी डॉट एक्स और पी डॉट वाई हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया। अगेन ये टास्क कब परफॉर्म हो, जब हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया एज ए रबड़। नाउ नेक्स्ट हम अगेन बताना चाहते हैं कि अगर इफ एफ की वैल्यू 2 हो, तो एफ की वैल्यू 2 कब होगी, जब हमने ओवल शेप यूज किया है, जो हमारा टास्क क्या करेगा, पेंट करने का टास्क परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर टाइप के करेस्पॉन्डिंग। तो हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया जी डॉट। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम उस फिल ओवेल को प्रिंट करते जाना है, तो फिर हमने यहाँ क्या देना पड़ेगा, फिल ओवेल नाम से हमारे पास मेथड है, तो अगेन हमारे पास करंट कोऑर्डिनेट ड्रैग के थ्रू आते जाएंगे, तो ड्रैग हमें अभी बताना बाकी है। तो हमने पी डॉट वाई में जाकर हम अगेन कोऑर्डिनेट्स की जो डायमेंशन अगेन वो कितनी है 40, 40, तो अगेन वो सेम डायमेंशन पर वर्क करता रहेगा और हमारे सामने पैटर्न डिस्प्ले करता रहेगा जो हम उस पर्टिकुलर पेंट के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, और उस जो हमने आइकॉन सेलेक्ट किया होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ हमारा वर्किंग परफॉर्म होता चला जाएगा। तो अब अगेन हमें ड्रैग के करस्पॉन्डिंग भी करंट कोऑर्डिनेट लाते जाना है, क्योंकि हम पेंट के ऊपर जहां जहां ड्रैग करेंगे, जहां हमने प्रेस किया और उसके बाद जो जो वर्किंग करते आएंगे वो हमारे सामने विजुलाइज होती जाए, तो हम अगेन उस पॉइंट्स का रेफरेंस लाएंगे वाया यूजिंग मी डॉट गेट पॉइंट के थ्रू, और इस केस में हमने अगेन उसको रिपेंट एक्टिविटी परफॉर्म होती जाएगी, और हम अगेन हम स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करना चाहते, तो हमें अपडेट मेथड को भी ओवरराइट करना पड़ेगा। अपडेट मेथड अगर ओवरराइट नहीं करी तो हम जो भी वर्किंग करेंगे वो वहां पर रिफ्रेश होती जाएगी, तो अब इस केस में रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म हम परफॉर्म कर रहे हैं वाया यूजिंग रबड़ कि किस पोर्शन को हमें क्लीन करते आना है, तो हमने यहाँ अपडेट मेथड को ओवरराइट कर रखा है, तो ये ओवरराइट मेथड इज रिक्वायर्ड हियर। स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, अगर स्क्रीन रिफ्रेश हो गई तो हमारा जो आइकॉन ऊपर डिस्प्ले है वो भी रिफ्रेश होते चले आएंगे, तो हमें आइकॉन को रिफ्रेश नहीं करना है। सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाइल स्पेसिफाइंग अ कोऑर्डिनेट, हमने ब्रैकेट्स में मिस्टेक की है थोड़ी, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। या एन स्पेसिफिकेशन हो गया, बाय मिस्टेक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर टाइप हो गया है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। फाइन, मिस्टेक इज जस्ट लुक एट इट, ओके। नाउ जस्ट लुक एट इट, हाउ कैन वी परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ पेंट, हाउ कैन वी पेंट अ डिजाइन। सो हमने इस केस में हमने इसको पर्टिकुलर यहां पर हमने इस पर्टिकुलर एरिया पर आकर इस पर्टिकुलर पोर्शन में आकर सिलेक्ट किया, तो हमने इसको सिलेक्ट किया तो वो जाकर चेक करेगा कि पी डॉट एक्स कहां पर हमने क्लिक करा, तो हमने क्लिक इवेंट में वो कंडीशन दी है कि हमने किस एरिया में जाकर सिलेक्ट किया है, तो अगर हमने इस एरिया में सिलेक्ट किया तो एफ की वैल्यू 2 हुई। अब हमने यहां से इसको ये देखिए, हमने ये ब्रश पेंट करना शुरू किया, तो हमने ये पर्टिकुलर पोर्शन को पेंट करना शुरू किया है और ये हमने एक डिजाइन किया पैटर्न। नाउ अब इसके बाद हमने इस रेक्टेंगल एरिया में जाकर हम क्लिक करेंगे, तो हमने इस क्लिक करा और इस पर्टिकुलर पेंट एरिया में जाकर हमने क्लिक किया, तो अब ये रब हमारा होना शुरू हो गया, जैसे आप पेंट एप्लीकेशन में रब करते हैं वैसे ही हम यहाँ रब कर रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो आप इस तरह से अपनी एक पेंटिंग एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अगेन वापस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो हमें ये देखिए हम ऊपर की जा ऊपर पॉइंट पे जाकर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतने पोर्शन में ही डिजाइन पेंट कर सकते हैं, तो हम जहां जहां पेंट कर रहे हैं उतने पोर्शन में ही हम पेंट करवा सकते हैं। नाउ अगेन हमने रबर का यूज किया और अब इस तरह से इसको रब कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ रब किया और ये पेंट को डिजाइन किया। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ चाहते हैं कि जो पेंट हो रहा है ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ब्लैक ना हो, बाय डिफॉल्ट अभी ब्लैक हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर अभी ब्लैक सेट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लैक ना हो, हम हमारी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग कलर का आइकॉन भी डिजाइन करें, तो हम उसको यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक कलर नाम से अरे स्पेसिफिकेशन दिया, कलर सी का अरे बना दिया हमने, और उसमें हमने 3 कलर से स्पेसिफाई कर दिए, कलर डॉट इनिशियली हमने यहाँ ब्लैक सेट किया फर्स्ट पोजीशन पर,
देन हमने सेकंड पोजीशन पर सेट किया कलर डॉट ब्लू, देन नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे हमने सिलेक्ट किया कलर डॉट येलो। ये तीन डिजाइन, तीन कलर के हमें आइकॉन क्रिएट करना है। तो अब अगेन हम वन बाय वन यहां पर जाएंगे। इस केस में जिस तरह से हमने ये दो आइकॉन डिस्प्ले कराए थे, अभी इसी तरह हम फोर लूप के थ्रू थ्री आइकॉन और डिस्प्ले कराएंगे तीन कलर्स के लिए। तो हमने यहाँ इंटीजर आई इज इक्वल्स टू जीरो स्पेसिफाई करा, आई लेस देन इक्वल्स टू कसी डॉट लेंथ के करस्पॉन्डिंग मूव करता जाएगा और उन नंबर ऑफ कलर को यूज करते हुए वर्किंग परफॉर्म करता जाएगा। तो हमने यहाँ आई प्लस प्लस किया। अगेन अब हमारे पास एक्स में भी वैल्यूज अलग अलग आती जाए, तो हम यहाँ जो सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे वो हमने यहाँ सिलेक्शन के लिए अगेन हमने इंटीजर एक्स कोऑर्डिनेट लिया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग भी हम एक अरे बना रहे हैं और इस अरे के अंदर हम नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन 400 से स्टार्ट करे, अगेन 20,20 का देंगे हम डिफरेंस। तो नेक्स्ट अगेन कहाँ आएगा, 420 पर आएगा, अगेन नेक्स्ट आएगा 440 पर, क्योंकि हम 20,20 का विद्युत सेट करेंगे उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के फॉर्म में हम आइकॉन बनाएंगे कलर्स के लिए। तो हम यहाँ 400, 420 और 440 सेट कर दिया वन बाय वन। अगेन वाई की वैल्यू 20 लोकेशन पर ही होगा, क्योंकि हम सारे आइकॉन वाई लोकेशन पर एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बनाते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया कि एक एक वैल्यूज आती जाए, तो हमने यहाँ दिया जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, और इस केस में हमने स्पेसिफिकेशन दिया एक्स ऑफ आई जो पहली वैल्यू है 400 लोकेशन, वाई के अंदर ऑलरेडी 20 है, अगेन हम उसकी हर एक की कोऑर्डिनेट्स क्या चाहते हैं 20,20 चाहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के पैटर्न बनते चले आएंगे। और अब हम चाहते हैं कलर किस तरह से सेट हो, तो कलर सेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेथड अवेलेबल है। तो एक पहली बार कॉल होगा तो उसका कलर जो हमारा ब्लैक है तो ब्लैक करस्पॉन्डिंग शो करेगा, नेक्स्ट हमारा ब्लू शो करेगा, थर्ड वन हमारा येलो शो करेगा। तो हमने जी डॉट सेट कलर के थ्रू हर एक के लिए कलर सेट कर दिया। देन अब इस केस में हमने वन बाय वन हमारी वैल्यूज किस में आती आ रही है, सी ऑफ आई के अंदर। तो हर एक के कलर का पैटर्न हमारे सामने एज आइकॉन डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ वर्किंग करके देखेंगे, तो आप ये जब विजुअलाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अब जैसे ही हम ये वर्क कंप्लीट कर दे, तो हम चाहते कि हमारा बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही सेट हो जाए। तो हमने इनिशियली सेट कलर कर दिया, सेट कलर में जाकर हमने सी ऑफ जीरो, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए ब्लैक, क्योंकि हमने तीन पैटर्न बनाए तो लास्ट कलर जो होगा वही हमारा फाइनल पैटर्न फाइनल वर्किंग शो करेगा। तो हम फाइनल ना चाहते हुए हम डिफॉल्ट कलर क्या चलाना चाहते हैं ब्लैक। जब हम उस पर सिलेक्शन करें तो फिर हमारी वर्किंग आगे की परफॉर्म होना शुरू हो। तो अब ये हम यहाँ इस तरह से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें दूसरा टास्क ये देखना है कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अगेन जिस तरह से हमने अब हमने कहाँ क्लिक करा, तो उस क्लिक को भी वापस हमें कंडीशन के करस्पॉन्डिंग बताना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ पर ए नाम से, जो ये बताएगा कि इनिशियल वैल्यू हमारी क्या रहेगी। तो हमने बता दिया कि ए इक्वल्स टू जीरो है। तो अब हमने किस पर्टिकुलर पैटर्न पर क्लिक करा है, तो वो पैटर्न के करस्पॉन्डिंग हमने दिया है यहाँ पर। अगेन कंडीशन वापस इसके लिए हम चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल इंसर्ट करते हुए हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया अगर पी डॉट एक्स कहाँ क्लिक हुआ है, हमने स्टार्टिंग कहां से करी है 400 लोकेशन से स्टार्ट करी है, अगेन पी डॉट एक्स कहां तक जाएगा 420 तक जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट पी डॉट वाई 20 कॉमा कितना होगा 20 ही होगा, तो हमने 40 होगा। तो हमने यहां पर 40 होगा क्योंकि 20 से स्टार्ट करें तो 20 प्लस 20 40 होगा। तो अब इस केस में हमारी ए की वैल्यू हो जाए सेट 1। तो अब इस केस में हमने क्या किया, इनिशियली 1 सेट कर रखा है। सेम थिंग हम किसके लिए सेट करेंगे, दूसरा रेक्टेंगल है तो हमने अगर हमने दूसरे कलर के आइकॉन पर क्लिक किया तो उस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 420 से, तो वो कितना जाएगा 440 तक। तो हमने ये स्पेसिफाई किया 440, अगेन पी डॉट वाई 20,40 तक ही जाएगा। इस केस में आइकॉन की वैल्यू 2 होना चाहिए। अगेन सेम थिंग हम रिपीट कर रहे हैं, थर्ड आइकॉन जो हमारा येलो कलर के लिए, तो हमने उसके लिए बताया गया कि वो 440 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका विद्युत जो हो जाएगा वो 460 तक जाएगा। देन अगेन सेम पी डॉट वाई और उसकी वैल्यू होगी तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमारे ये जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ए की वैल्यू 1, 2 और 3 के फॉर्म में आएगी। तो हम इनिशियली सेट इसको करने से पहले ये बता देंगे कि हमने किसको सिलेक्ट किया है। तो
तो हमने जिस आइकॉन को सिलेक्ट किया होगा कलर उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हमने इस केस में इफ ए इक्वल्स टू, अगर वन हमारा ए की वैल्यू वन के इक्वल्स हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर तो हमने यहां जाकर अगेन सेट किया जी डॉट सेट कलर, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कलर तो हमारा चल ही रहा है कौन सा सी ऑफ जीरो। तो अब इस केस में हम किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करेंगे वो यहां देखते हैं। तो हमने यहां जी डॉट सेट कलर किया, तो अब इनिशियली हमारे पास क्या रहेगा, हमने यहां दिया कि सी ऑफ इस केस में जीरो हो, तो हमारे पास जीरो इंडेक्स पोजिशन पर कलर कौन सा है ब्लैक, तो ए की वैल्यू जब अगर वन है तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर। अगर हमारा इफ अगर ए की वैल्यू क्या हो टू हो तो उस केस में हम अगेन जी डॉट सेट कलर को सेकंड इंडेक्स पर सेट करेंगे। तो हमने यहां इंडेक्स पोजिशन नेक्स्ट के लिए स्पेसिफाई करी, सो हमने यहां इंडेक्स पोजिशन सी ऑफ वन दिया। अगेन सेम थिंग हमने थ्री के लिए परफॉर्म की, तो ए इज इक्वल्स टू अगर थ्री हो तो उस केस में हमारी वैल्यू सी ऑफ वन हो जाए। इनिशियली अगर आप यहां सेट नहीं करना चाहते तो ये जो सी ऑफ जीरो हम सेट करना चाहते तो इनिशियल वैल्यू हम वहां से सेट भी कर सकते, तो हमारे को एक स्टेटमेंट और बढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो हम इनिशियली ए की वैल्यू वन ही कर देते हैं। तो आपका ए की वैल्यू जब वन होगी तो उस केस में इनिशियली बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इक्वल्स टू वन होगा। तो इस केस में हम यहाँ इस वर्किंग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समझने की जरूरत है कि इनिशियली ये पैटर्न डिजाइन करके देगा, उस पैटर्न डिजाइन करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू अगर वन है तो जी डॉट सेट कलर हमारा ये होगा, अगर ए की वैल्यू टू है तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू थ्री है तो हमारा कलर येलो हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अब ये भी वर्किंग तो सेम इट इज एज इट इज है, बस ये जो हमने कंडीशन दी है ये कंडीशन ये शो कर रही है कि अब हमारी कलर की चॉइस क्या है, जैसी कलर की चॉइस होगी उसके करस्पॉन्डिंग फिल ओवल के थ्रू उस पैटर्न में हमारे उस पर्टिकुलर पेंट एरिया में पेंट की वर्किंग शो होगी। तो हम यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अगेन ये अगेन हमारे सामने पेंट ब्रश हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये आइकॉन ब्लैंक हो रहा है, तो हम इसको शो रहा था उस पर्टिकुलर कलर के करस्पॉन्डिंग करते, तो ड्रॉ रेक्ट की जगह आप फिल रेक्ट कर देंगे तो हमें उस कलर का विजुलाइजेशन होगा। हमें अभी बाउंड्री हो रही थी क्योंकि हमने ड्रॉ रेक्ट किया है, क्योंकि ब्लैंक दिख रहा था, हमें उसको फिल फॉर्म में देखना है तो हमें इसको फिल रेक्ट कर देते तो ज्यादा बेटर विजुलाइज होगा। जब हम पेंट एप्लीकेशन में देखते तो हमें पूरे आइकॉन पूरे विजुलाइज होते हैं। तो हम इस केस में सॉरी हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू लेंथ कर दिया है हमने, तो यहाँ इसको लेस देन करना पड़ेगा क्योंकि 0, 1, 2 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पोजिशन हमारी वर्क करेगी। तो हमारा जो आइकॉन है वो कलर फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, ये देखिए तीन कलर्स हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमने सबसे पहले इनिशियली अगेन सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए हमारे सामने ये पर्टिकुलर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ ये पर्टिकुलर पैटर्न हमने इस पर्टिकुलर आइकॉन के थ्रू पेंट किया। नाउ अगेन हमने इसको इस पर्टिकुलर को क्यों इसके लिए चूज किया था, जो हम रब कर सके, तो हमने इसको चूज करने के बाद हमने ये रब किया। अब हम चाहते कि नहीं हमारा जो ब्लैक कलर था वो ब्लैक ना होते हुए ब्लू हो जाए, तो हमने ये ब्लू सिलेक्ट किया, तो ब्लू के करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू टू हुई, तो हमारा अगेन ये सिलेक्शन वही है, तो अब हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने सिलेक्ट किया, ये देखिए हम ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्लू पे सिलेक्शन किया और वर्किंग ये कर रहे, तो इसका टाइप क्या हो गया ब्लू कलर हो गया। अब अगेन हम इसको रब करना चाहते हैं तो हम इसको रब कर सकते हैं, ये हमने यहाँ रब किया। अगेन अब हम चाहते कि नहीं येलो कलर डिस्प्ले हो, तो अब येलो एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें अभी हमारा सिलेक्शन ये वाला है, अब हमें सिलेक्ट पहले ये करना पड़ेगा, तो अब हमारा ये ब्लू कलर हो रहा है। अब हम चाहते नहीं ब्लू ना होते हुए येलो हो जाए, तो हम इसको सॉरी शायद येलो पे वर्किंग हमने चेंज नहीं करी है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। हमने ओके हमने यहाँ पर सी ऑफ वन की वैल्यू सी ऑफ टू दे रखा है, वन की जगह हमने टू नहीं किया था, उसको कॉपी पेस्ट में हमारी मिस्टेक हुई थी, तो हम इसको वापस से करेक्ट करके फिर से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
क्योंकि हमारा इंडेक्स पोजीशन दोनों जगह सेम हो गई थी, सी ऑफ वन सी ऑफ वन, तो हम उसको वापस से क्लियर कर रहे हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुई है। अगेन वी ड्रॉप पेंट वर्क, ये हमने सिलेक्ट किया, ये हमने पेंट किया, जो भी हमें पैटर्न बनाना है जैसा भी आपको बनाना है। अगेन हम चाहते कि नहीं दूसरा कलर सिलेक्ट हो, तो हमने अगेन ये ब्लू कर दिया, तो हमारा ब्लू तरीके से पेंटिंग होना शुरू हो गई। अब हम चाहते हैं नहीं येलो हो, तो हम येलो वर्किंग कर सकते, तो ये देखिए आपके सामने येलो के फॉर्म में डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब आप चाहते हैं नहीं कुछ पार्ट हम इसको अंदर से रिमूव कर दे, तो आप इसको इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगेन वापस सिलेक्शन आप ब्लैक लेकर आना चाहते हैं, तो अगेन आपने यहाँ पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, रबर पे हम ये वर्किंग नहीं कर सकते। जब तक हम इस पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि रबर का टास्क क्लीन करना है, प्रिंट पेंट करने का नहीं है। तो हमें इसको सिलेक्ट किया, देन हमने ब्लैक कर दिया, तो अभी वापस हमारा कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेंट ब्रश को वर्किंग करके इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको हमने जैसे इसके पहले पैटर्न देखा था, अगर आपको पैटर्न डिजाइन करना है, तो आप एक पैटर्न का आइकॉन ले आइए और उस पैटर्न को करस्पॉन्डिंग अपना लॉजिक स्पेसिफाई करते हुए वहां पर सेट करिए कि हमारा एक पैटर्न भी डिजाइन हो, तो आप पैटर्न को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पेंट ब्रश एप्लीकेशन भी प्रिपेयर करके देख ली कि किस तरह से ये सारी इवेंट हैंडलिंग, माउस इवेंट हैंडलिंग का पूरा हमने वर्किंग इस पर्टिकुलर पेंट ब्रश और पैटर्न के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देख लिया। आप अपनी तरफ से लॉजिक लगाकर नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस ट्राई कीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग उसको इनबिल्ड कीजिए। सो आज की क्लास में हमने माउस इवेंट हैंडलिंग के करस्पॉन्डिंग पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।